हे गाइस, मैं हूं सूरज भान। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैन कार्ड की और आपके आधार कार्ड की डिटेल्स दोनों मैच नहीं कर रही हैं तो इस कंडीशन में आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कैसे होगा। अगर आपके पैन कार्ड में और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है या फिर नेम मिसमैच है या फिर फादर नेम मिसमैच है, इट मीन्स अगर आपके पैन कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो आपके आधार कार्ड के साथ मैच नहीं कर रही हैं तो इस कंडीशन में हम अपने पैन को आधार से लिंक कैसे करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर काफी सारे लोग जानना चाहते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स मैच नहीं कर रही हैं तो इस कंडीशन में आप अपने पैन को आधार से लिंक कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पैन कार्ड में मिस्टेक है या फिर आपके आधार कार्ड में मिस्टेक है। अगर आपके आधार कार्ड में मिसमैच है तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराना होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर नेम में किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस की अगर आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही है और आप अपने पैन कार्ड में सुधार कराना चाहते हैं तो ये काम भी आप बिना कहीं जाए कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से घर बैठे। इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट पे जाना होगा एंड वहाँ पे पैन कार्ड करेक्शन की एक एप्लीकेशन डालनी होगी। उसके बाद आपके पैन कार्ड पे आपके आधार कार्ड वाला जो डिटेल्स हैं जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम, वो सभी अपडेट हो जाएंगे। इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम अपने पैन कार्ड पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर नेम में सुधार कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराते हैं तो आपको लगभग 6 से 7 दिनों तक का टाइम लग सकता है एंड अगर आप अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कराते हैं तो करेक्शन होने में लगभग 4 से 5 दिनों का टाइम लग सकता है। जैसे ही आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाता है उसके बाद आपका जो ई पैन कार्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा एंड जो भी आपका फिजिकल पैन कार्ड है यानी कि जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड होता है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है। तो जिसमें भी आप करेक्शन कराना चाहें उसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही करेक्शन कंप्लीट हो जाता है एंड आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो दोनों मैच करती हैं यानी कि सेम हो जाती हैं तो अब आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको 1000 रुपीज यानी कि 1000 रुपए की पेनल्टी फीस जो है वो पे करनी होती है। जब तक आप 1000 रुपए का ऑनलाइन चालान पे नहीं करेंगे तब तक आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उन्होंने जो पेमेंट है चालान का वो तो कर दिया है बट बाद में उन्हें पता चला कि उनके आधार पे और पैन पे जो भी डिटेल्स है वो मैच नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से उनका पैन जो है वो आधार से लिंक नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें दोबारा पेमेंट करना होगा बट उनकी जानकारी के लिए बता दूं उन्हें दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा। जो भी उनका एक बार चालान पे हो गया है उसी चालान नंबर से ही वो अपना पैन आधार लिंक कर सकते हैं बट इसके लिए हो सकता है कि सबसे पहले आपको अपने पैन आधार के डिटेल्स को मैच कराना होगा। मैच कराने के लिए आप अपने पैन या आधार में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हम करेक्शन करा लें उसके बाद पेमेंट करें या फिर पहले पेमेंट कर दें चालान का उसके बाद हम करेक्शन करें। तो जिन्होंने पहले ही पेमेंट कर दिया है 1000 रुपीज चालान का तो यहाँ पे उन्हें दोबारा से चालान पेमेंट नहीं करना है। उन्हें अपने डिटेल्स को एक बार मैच करा लेना है करेक्शन करा के देन वो अपने उसी चालान नंबर से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि पेमेंट करने के बाद किस तरीके से अपने पैन को आधार से लिंक किया जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर आपने अभी तक 1000 रुपीज का चालान पेमेंट नहीं किया है तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो चाहे तो पहले करेक्शन करा लें अपने पैन या आधार कार्ड में देन उसके बाद चालान पेमेंट करके वो अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपना चालान पेमेंट नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो सबसे पहले अपने आधार पैन को करेक्शन करा लें देन उसके बाद वो चालान पे करके अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स मैच नहीं करती हैं तो इस कंडीशन में आप अपने पैन को आधार से लिंक कैसे करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके आधार और पैन की डिटेल्स मैच नहीं कर रही है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी रेगुलर वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।